हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों बात करते हैं हमारी आखिरी वीडियो की, जो है ब्राउजर एरर। तो यहाँ पे दोस्तों, आप कभी भी इंटरनेट यूज करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप के एरर दिखाई देते रहते हैं दोस्तों। तो उसी में से दोस्तों मैं कुछ चार कॉमन एरर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन एरर है दोस्तों, वो है 403, मतलब 403 एरर। 403 एरर का मतलब होता है दोस्तों कि आपको वो वेबसाइट विजिट करने के लिए एक परमिशन की रिक्वायर्ड है। वो परमिशन आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड हो सकता है या एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को ही परमिशन दी जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनको लॉगिन करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर आईडी पासवर्ड दिया जाता है दोस्तों। तो सिंपली वो आईडी पासवर्ड डाल के आप उसे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से ही उसे आप लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो 403 एरर का मतलब होता है दोस्तों कि आपको उस वेबसाइट को विजिट करने के लिए परमिशन की जरूरत है। तो गाइस यहाँ पे बात हो चुकी है 403 एरर की। जो सेकेंड मोस्ट कॉमन एरर है दोस्तों, वो है 406। अब 406 एरर किस लिए होता है दोस्तों, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस अभी कुछ वीडियो पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कि हमारे ये वेब ब्राउजर है, उसमें हमें किसी एनिमेशन चीज को चलाना है तो फ्लैश प्लेयर एक सॉफ्टवेयर आता है, या ड्राइवर आप उसे कह सकते हैं, वो हमें मदद करता है कि हम उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर पाए। तो यहाँ पे जो 406 एरर तब आती है दोस्तों कि ऐसा कोई एक आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मिसिंग है जो उस वेबसाइट को ओपन करने में मदद करता है दोस्तों। तो आपको सिंपली उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो भी दोस्तों आपको उसी पेज में कहीं ना कहीं छोटा सा लिखा हुआ दिख जाएगा दोस्तों। तो कभी भी दोस्तों 406 एरर आपके सामने आती है तो समझ जाइए कि आपके कंप्यूटर में कोई एक या दो सॉफ्टवेयर ऐसे मिसिंग है जो उस वेबसाइट को चलाने के लिए कंपलसरी है, मतलब नेसेसरी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों थर्ड एरर की बात करते हैं, जो है 501, या बहुत सारे कंप्यूटर में ये 505 भी आती है, मतलब 501 या 505 एरर आपके ब्राउजर में कभी भी आती है इंटरनेट ब्राउज करते हुए, तो उससे सिंपली आपको समझ जाना है कि आपका जो ब्राउजर का वर्जन है वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। उस वेबसाइट का जो सपोर्टेबल ब्राउजर की जो क्राइटेरिया है, उससे भी आपका जो ब्राउजर का वर्जन है वो पुराना हो चुका है। तो सिंपली आपको अपना ब्राउजर को कर देना है अपडेट। अपडेट कैसे करते हैं दोस्तों, ब्राउजर की सेटिंग में जाके आपको वहां पे अपडेट का ऑप्शन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल ही जाता है दोस्तों। तो एक और बार दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, 501 या 505 एरर आपके पास आती है तो आपको करना है अपने ब्राउजर को अपडेट। अब दोस्तों फाइनल एरर जो आती है 500। अब 500 एरर आती है दोस्तों इंटरनल सर्वर एरर की वजह से। जो हमारी तरफ से कोई एरर नहीं होती है, वो वेबसाइट की एरर होती है दोस्तों। तो कभी भी 500 एरर आपके पास आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लगभग 10 या 15 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद उस पेज को आप रिफ्रेश कर दीजिए, आपको पेज वापस से ओपन हो जाएगा। तो 500 एरर दोस्तों हमारी तरफ से नहीं होती है, वो इंटरनल सर्वर एरर होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 सेकंड वेट कीजिए या 1 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद सिंपली आप उस पेज को कर दीजिए रिफ्रेश, तो आपकी वो एरर हो जाएगी खत्म दोस्तों। तो चारों एरर जो मैंने आपको बताए हैं, ये मोस्ट कॉमन एरर हैं दोस्तों, जो हम कभी भी इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो उसमें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो उन चारों एरर को एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। 403 एरर का मतलब है कि आपको वहां पे परमिशन रिक्वायर्ड है उस पेज को विजिट करने के लिए। वो परमिशन कैसी भी हो सकती है, जैसे आईपी एड्रेस या लॉगिन आईडी पासवर्ड की भी हो सकती है। सेकंड एरर है दोस्तों 406 आपको एरर देखने के लिए मिलती है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके पीसी में कोई एक सॉफ्टवेयर मिसिंग है जो उस वेबसाइट को ऑपरेट करने में मदद करता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 501 या 505 एरर आपको कभी देखने के लिए मिल जाती है, तो समझ लीजिए कि आपका जो ब्राउजर है उसका वर्जन हो चुका है पुराना, आपको करना है अपने वेब ब्राउजर को अपडेट। एंड लास्ट दोस्तों, अगर आपको 500 एरर देखने के लिए मिल जाती है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 10 या 15 सेकंड बाद आपको सिंपली उसे रिफ्रेश कर देना है उस पेज को, आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। 500 एरर दोस्तों इंटरनेट सर्वर एरर की वजह से होती, सॉरी इंटरनल सर्वर एरर की वजह से 500 एरर आपको देखने के लिए मिल जाती है। सिंपली आप 10 सेकंड बाद पेज को रिफ्रेश कीजिए या 1 मिनट आप वेट कर लीजिए, उसके बाद रिफ्रेश कीजिए, आपका वो पेज हो जाएगा ओपन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एडवांस कंप्यूटर कोर्स खत्म होता है। एक फाइनल एंडिंग वाली वीडियो
मैं बना देता हूँ और एक दो दिन में इन सबको जितने भी हमारे कोर्स की वीडियो हैं उन सबको मर्ज करके हमारे चैनल पे कर देता हूँ अपलोड।